हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और मैं आपको दिखाती हूँ, कल तो मैं कपड़े नहीं सिलने बैठी थी, शाम रात को बैठी थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये कोड़ी लगाई है मैंने। एक मैंने लिया था कार्डबोर्ड का गोल पीस कटिंग कर लिया था, उसके ऊपर मैंने रेड कपड़े से उसको फिनिश कर दिया था। उसके बाद मैंने ये चोटी बनाई है, इसमें रंग बिरंगा धागा डाल के, कलर वाला धागा कलरिंग में डाल के, और यहाँ पे ऊन डाल के मैंने चोटी बना ली थी। और फिर इस तरीके से ये मैं लाई थी कोड़ी, तो ये मुझे कोड़ी 10 रुपये की 5 कोड़ी दी थी उन्होंने। और इसके अंदर ये कांच जो मिरर लगाया हुआ है, तो इसको लगा के फिर मैं ऊपर से ये लगा दी थी। ये पूरे ऊपर चोटी लगाई हुई है जो मैंने चोटी बनाई थी, और 3 चोटी ये नीचे लगाई है मैंने। फिर इसके अंदर मैंने ये कोड़ी कलरिंग वाली जो मल्टी कलर में आती है वो लगाई हुई है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे बना सकते हो। अभी हम ये लेने जाएँ तो कम से कम हमें 100 रुपये का तो मिलेगा ही मिलेगा, मुझे इतना पता है, क्योंकि मैं गई थी दुकान पर तो मुझे उन्होंने ऐसा ही बताया था। इसमें 3 चोटी है, उसमें 4 चोटी थी, बस इतना फ़र्क था। इसमें मैंने 4 चोटी लगाई है, और उसके अंदर ये ऊपर वाली कोड़ी भी नहीं थी और ना कांच था, सिर्फ उसके अंदर वैसे ही स्टोन लगे हुए थे। तो ये देखिए, ऐसे आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छी लग रही है गरबा खेलने के लिए। जैसे लड़कियां लगाती हैं इस तरीके से, लहंगा भी पहनती हैं, तो मैंने ये बना दी थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैं ख़रीदने नहीं जा सकती तो इसलिए मैंने घर पर ही बना दी। मेरे पास रखी हुई थी 10 रुपये की, ये वाली कोड़ी लाई हूँ मैं। और ये मैं लाई थी 20 रुपये की वाइट वाली, और ये कांच लाई हूँ मैं जो बीच में लगाया है, वो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इस तरीके से कुल मेरा कितना कुछ खर्चा नहीं आया, सब सामान बाकी मेरे पास पड़ा हुआ था, और बस ये ला के लगाई हूँ। और 10 रुपये की ये लाई थी कलरफुल जो है कोड़ी, वो लाई थी 10 रुपये की। और ये वाला जो बैक साइड में मैंने चिमटी लगाई, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, बच्ची का पुराना पड़ा हुआ था तो उसमें से मैंने निकाल के लगा दिया था। इसके पीछे मैं ये बुकरम कट करके लगा दी हूँ उसको फिनिश करने के लिए, तो अच्छा दिखे, तो ये लगा दी हूँ मैं। और अभी मुझे ब्लाउज सिलने हैं 2, एक ब्लाउज ये सिलना है, कटिंग कर रही हूँ, और दूसरा मैं आज रात को जो लहंगा खाली है तैयार की थी, ये देखिए, और इसके ऊपर अभी मुझे बेल्ट डालनी है। तो ये सब करके कल बिल्कुल भी सिलाई करने नहीं बैठी थी। आपने व्लॉग मेरा देखा होगा, क्यों नहीं बैठी, कल तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी, मुझे घर भी देखने गई थी कल, मैं पूरा दिन मेरा घर देखने में निकल गया, कहीं भी घर नहीं मिला मुझे। बहुत जगह घर देख के आई मैं, एक जगह घर है लेकिन उसमें क्या है कि जिन्होंने ख़रीदा है पूजा वगैरह नहीं कराई है, पर नंबर नहीं मिल रहा है घर मालिक का। नंबर मिल जाए मुझे तो उनसे बात करूं, तो और जगह मैं यहाँ आसपास में सब जगह देख चुकी हूँ, घर नहीं मिला है मुझे। अब आज फिर जाऊंगी मैं, पहले तो ये कपड़े तैयार करूंगी, क्योंकि आज नवमी है, नवरात्र आज लास्ट है, तो आज कपड़े चाहिए हमको, तो ये मैं तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी से मैं कपड़े सिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। डिंगली देख लो, गुजराती में लड़की को डिंगली बोलते हैं, छोटी बच्ची को डिंगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको डिंगली किसको बोलते हो, तुम लोग किसको बोलते हो, इधर बताना इनको किसको बोलते हैं। ये क्या खा रही है तुम? हाँ, जोर से बोल के बता क्या खा रही है। हाँ पहलू, क्या खा रही है? हाँ पहलू खा रही है, पहलू खा रही है। हाँ भाई कहाँ है तेरा? उंगे 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 फोन दिया था मैडम।
हेलो गाइस, मैं आज एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए बस डालूंगी क्योंकि आज मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। आज नौवां दिन है, आज नौवीं है, कल आठवीं थी, आज नौवीं दिन है इनका, जो कि यहाँ पे माता जी का नवरात्रि का। और मैं कपड़े बहुत सारे सिलने वाले हैं, दो ब्लाउज मुझे रेडी करने, कटिंग कर लिए हैं मैंने और कटिंग करके मैंने रख दिए हैं, अब सिलने बैठूंगी मैं। मुझे लगी है अभी भूख और मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ पोहा, तो पोहा बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा पोहा बना के उसके बाद खा के फिर बैठूंगी सिलने। फिर मुझे अभी टाइम कितना हो रहा है, 3 बज गए हैं। मैं घर देखने गई थी लेकिन घर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। कल भी गई थी और आज भी गई लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है, तो अभी आई हूँ मैं, भूख लगी है मुझे, तो अब मैं बनाती हूँ अपने लिए पोहा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे और थोड़ी बातें करते हैं। आज का मेरा व्लॉग बस छोटा सा रहेगा आपके लिए क्योंकि आपको मैं बताना चाहती थी कि आज मैं कोई सिलाई का या कुछ ऐसा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ पोहा। तो आज गाइस बहुत बड़ा कांड हो जाता है, ये देखिए ये पूरी आग लग गई थी इसमें, सिलेंडर में। मैं पोहा बनाने आई, जैसे ही मैंने गैस चालू किया और एकदम से पहले तो यहाँ पे बटन के पास में आग ही निकली और फिर पूरे चूल्हे में आग जलने लगी, फिर एकदम से पाइप में भी लग गई। मैं तो घबरा ही गई थी कि क्या करूँ, तभी यहाँ पे मैं लाई हूँ नया। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, पाइप मैंने फिट कर दिया है देखिए, और यहाँ पे जो क्लैंप लगाने थे वो मेरे से नहीं लगे, हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूँगी लगाने के लिए। चाय बना लूँगी, अब फिर बनाऊँगी मैं पोहा। पोहा बनाने जा रही थी आज तो सिलेंडर को ही पूरे आग लग गई, क्योंकि वो प्लास्टिक का पाइप था, शायद कहीं से लीक हो गया या क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला मुझे, पूरी इसमें आग लग गई थी वहाँ तक। मेरे तो पूरे हाथ कांपने लगे थे जब आग लगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैंने फटाफट से सिलेंडर ऑफ किया वहां से, लेकिन फिर भी आग पूरे में लगी। यहां से पहले लगी आग, उसके बाद फिर पीछे पाइप में जाके यहां से क्रॉस करती पाइप तक चली गई थी। फिर मैंने फटाफट से सिलेंडर से नीचे रेगुलेटर बंद किया, फिर भी आग नहीं बंद। फिर मैंने सोचा अभी तो पूरे में आग लग गई तो क्या होगा, मैंने पूरा रेगुलेटर फट से निकाल दिया। जैसे मैंने रेगुलेटर निकाला फिर धीरे धीरे अपने आप ये आग जो है सब आग बुझ गई थी। आज तो बहुत गई, मन डर गया, तभी फिर तुरंत जाके मैं पाइप लेके आई हूँ। 200 रुपये का आया है ये पाइप, पता नहीं किसकी आज बद्दुआ लगने वाली थी। तो गाइस यहाँ पे चाय मैंने बना ली है, पोहा मैं बना रही हूँ देख लीजिए। तो इसमें मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्च, हींग दाना और राई, बस इतना ही डाला है। आलू वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, मुझे जल्दी जल्दी बनाना है तो फटाफट से मैं बना के बस सिलाई करने बैठ जाऊँ। बस मेरे दिमाग में यही टेंशन घूम रही है कि मैं कपड़े शाम तक रेडी कर पाऊँगी या नहीं। तो पोहा मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिया है, आज तो ये देखिए इतनी इतनी उंगली जल गई है, लाल हुई है ना, दिख रही है आपको यहाँ, ये वाली में ज़्यादा जलन हो रही है यहाँ तक, क्योंकि जब आग लगी थी सिलेंडर में तो इसके नीचे तवा था, इधर खींच रही थी मैं तो खींच नहीं पा रही थी, तो उसको पकड़ी तो आग एकदम से इधर सेक लग गया मेरी उंगलियों में, तीन इन दोनों में ज़्यादा लगा, इसमें कम, तभी जलन हो रही है बहुत। लेकिन बोल रही थी बेटी कोलगेट लगा लो मम्मी, इनका काम कैसे करूँगी अगर कोलगेट लगा लूँगी। तो देख लीजिए गाइस फ्रंट रूम में जहाँ सिलाई करती हूँ, अभी इधर बहुत तेज धूप आ रही है सामने से, देखिए ये खिड़की है और ये दरवाज़ा है, बहुत तेज़ धूप आ रही है यहाँ पे। और मैं अपने लिए ले आई हूँ पोहा बना के, आज तो मैं जल जाती, पता नहीं किसका शराब लग जाता मुझे, आज तो पता नहीं कैसे बची मैं, देखिए कितनी धूप पड़ रही है। पोहा ले आई हूँ, चाय ले आई हूँ पी के फटाफट से, बस अब मुझे कपड़े सिलने हैं। आज फिर से मेरी बेटी ये वाला लहंगा पहनेगी, बहुत अच्छा लगता है, सब बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा आपने सिला है, सबको बहुत पसंद आया।
सब पूछती है कि आपने बनाया, तो मैंने बोला जी हाँ मैंने बनाया है। देख लीजिए ना पसीना आया हुआ है। तो गाइस कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं एंड करती हूँ इसका यहीं पे, और अब मैं कपड़े सिले बैठूँगी, देखूँगी सूट कर पाऊँगी तो करूँगी, वो कल आएगा मेरा व्लॉग और आज का ये आ जाएगा। तो चलिए बाय बाय।